एसोसिएशन, एक इंडियन फिल्म मेकिंग एसोसिएशन, एक वॉव करके ऐसा ऐप लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से इस देश के हर कोने में जो कि टैलेंट एक्चुअली गाँव में भरा रहता है वहाँ से मुंबई आते हैं, और ये आपका ऐप जो उनको मदद करेगा धर्मेंद्र को धर्मेंद्र बनाने में, शाहरुख को शाहरुख बनाने में, वो एक नया जो आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सर, बिहाफ ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल एंड बिहाफ ऑफ माय पार्टनर सतीश कौशिक, आई विश ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. Thank you. So my name is Kapil Kanekar and I'm the co-founder of WowPro, a platform for talent hiring and service provider. Right? Then we have my founder, Mr. Narendra Dongre. Hello. From the WowPro. And then to start with, our Indian Film Association, Makers Association ke saath collaboration hai. So from there we have Kapil. Hi. And hamare paas hai Ramchandra sir. अब आप एक बार अपने आप इंट्रोड्यूस. हेलो, माय नेम इज सोम साकंकर एंड आई हैव वर्क इन मराठी मूवी विच नेम इज टू एंड मी एंड इट विल बी रिलीजिंग इन टू और थ्री मंथ्स एंड आई एम एन एक्टर. थैंक यू. ओके, माय नेम इज कपिल एंड आई एम अ इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र प्रेसिडेंट. राइट नाउ वी आर कोलैबोरेटिंग विद WowPro. थैंक यू वेरी मच. My name is Ramchandra Reddy, Indian Film Makers Association General Secretary. We are collaborating with WowPro. Okay. Would you like to say something, sir? Indian Film Makers Association Karnataka President Dilip Kumar. Okay. And now, sir, WowPro के बारे में हमने हैदराबाद में बहुत ही सुना है. And now. हैदराबाद में. Okay. तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि मुंबई में किस तरह से करना चाहते हैं, हैदराबाद में क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ एसोसिएशन होने वाला है? बेसिकली मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ. WowPro प्लेटफॉर्म है हमारा जिसमें हम लोग एक, जैसे मैंने बताया कि हम टैलेंट हायरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आर्टिस्ट एक्सपर्ट्स हो गए फिल्म इंडस्ट्री से लेके हम उनको कनेक्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स फिल्म मेकर से. सो हमारा मोटो ये है कि एक वो एक प्लेटफॉर्म बने जिसमें ये दोनों आए, जिसको भी जैसे रिक्वायरमेंट है वो एक प्लेटफॉर्म में रिजॉल्व हो जाए इन डिजिटल फॉर्मेट में, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिजिटल फॉर्मेट में. अदर देन दिस, उसके बाद हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है. अब जैसे आपको कोई मूवी शूट करनी है किसी भी लोकेशन में आपको करनी है, राइट, तो आप क्या करते हैं, आप पहले वहाँ जाके रेकी करते हैं, वहाँ पे आपको रेंट पे कुछ इक्विपमेंट्स लेना है, इधर या आप मुंबई से लेके जाओगे या तो फिर आप लोकली देखोगे. हम लोग प्लेटफॉर्म पर ये डाल रहे हैं कि आपको लोकली भी मिल जाए तो आपका वो टाइम भी बच जाए. सो उस प्लेटफॉर्म में ओवर एंड ऑल लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे वो रेंटिंग कैमरा हो या कुछ भी हो, चाहे स्पेस हो या स्टूडियो हो, उस प्लेटफॉर्म पे रहेगा. सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है. सर आप कुछ बताना चाहेंगे? सर इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन एक एसोसिएशन है, जैसा कि हमने आपने देखा होगा कि मतलब इम्पा होगा ऐसा, ऐसे एक एसोसिएशन है. बस ये हम एसोसिएशन में आर्टिस्ट कार्ड भी देते हैं, देन बैनर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं, एजुकेशन का काम भी करते हैं. ये चीज़ ऐसे कि हम लोग टोटल डिजिटलाइजेशन करने चाहते हैं. ये जो अभी बोलते हैं ना कि मतलब नॉर्मल सेंसर से लेकर हर एक चीज़ टोटल डिजिटलाइजेशन करने चाहते हैं हम जी. ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, 5 ईयर्स हो चुके हैं इसको इस्टेब्लिश होकर. महाराष्ट्र में अभी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से स्टार्ट भी हो रहा है. थैंक यू. आपने सर मराठी फिल्म भी की है, इस तरह से एसोसिएशन कितना, हमारे जितने भी एक्टर हैं उनके लिए कितना प्रॉफिट होगा एंड एसोसिएशन के बारे में जानना चाहेंगे. तुम्हारे कैसे बढ़ते थे एसोसिएशन मुझे पूछा था. वुड यू लाइक टू से समथिंग दैट एसोसिएशन, हाउ आर यू एक्सपीरियंस विद द एसोसिएशन? सर देयर इज अ ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग विद कपिल सर, हैज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर आई हैव वर्क एंड नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट इंडियन एसोसिएशन एंड आई होप ही विल हैंडल इंडियन फिल्म मेकर्स इन सच अ गुड वे. मैंने जो सुना है कि डिजिटली भी इसके बहुत ही ग्रोथ करने वाले हैं आप लोग, डिजिटल इसके प्लेटफॉर्म को और बढ़ावा देने वाले हैं, तो डिजिटल के माध्यम से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ प्रोसीजर होगा? सेलिब्रिटी ऑनलाइन भी हमने सुना है कि वो आ सकते हैं एंड अपना प्रोसीजर कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आप बता सकते. सो बेसिकली जो हमारा कोलैबोरेशन है इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन के साथ, सो ये लोग जैसे ऑलरेडी इंडस्ट्री में है लेस फ्रॉम 5 ईयर्स, उनके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं. सो बेसिकली हम वो डेटा हमारे प्लेटफॉर्म पे डिजिटाइज करेंगे एंड देन वो ऑब्वियसली वो रजिस्ट्रेशन है, दे हैव देयर रजिस्ट्रेशन, बट हम लोग उनको मिला के उनको
एक प्लेटफॉर्म पे एक वो देंगे सो दैट उनकी सारी प्रॉब्लम्स लाइक यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर और आपका टाइम कॉस्ट वो सारी चीज़ बचेगी नॉट इन इन मुंबई अक्रॉस द इंडिया. सर आप कुछ कहना चाहते हैं एसोसिएशन के बारे में? इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन, उसमें बैनर रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन में, टाइटल भी रजिस्टर कर सकते हैं, फिल्म टाइटल अप्रूव फ्रॉम द CBFC सेंट्रल ब्यूरो फिल्म सर्टिफिकेशन. सो इसमें ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैनर टाइटल रजिस्टर कर सकते हैं. कर्नाटक में ऑलरेडी 120 मूवीज कंप्लीट हो गया, 30-35 मूवीज रिलीज कूड़ा हो गए, सब्सिडी को आ गया, 10 मूवीज को सब्सिडी को आ गया कड़ा फिल्म से. ओके एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग कि हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा है कि साउथ के भी एक्टर एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सभी को हम देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, एक जगह पर आके अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं. रिसेंटली किस तरह से साउथ की फिल्में बैक टू बैक हिट हो रही हैं, सो और क्या कुछ बढ़ावा मिलने वाला है आप लोगों को इस तरह से, एंड क्या कुछ और क्या कुछ अपने साउथ के और कितने एक्टर को एसोसिएट करने वाले इस वाव ब्रो एंड इंडियन फिल्म मेकर्स के एसोसिएशन? सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोलैबोरेशन है, ये ऑलरेडी इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है साउथ में, एंड हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं यहाँ पे मिडिल इंडिया में एंड नॉर्थ में. सो हम जब आपका मिडिल इंडिया एंड जब साउथ का जब कोलैबोरेशन होगा सो ऑब्वियसली साउथ को यहाँ पे भी चांसेस मिलेंगे, देन यहाँ के जो हैं एक्टर्स या फिर एक्सपर्ट्स या फिर जो भी हैं वो उनको वहाँ पे भी चांस मिलेगा. सो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म सारे इंडस्ट्री को कवर कर रहा है, नॉट ओनली बॉलीवुड, मे बी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो जो लैंग्वेज यहाँ पर आती है. सर ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे जो जिसको हम लोग मतलब वॉबरो और इंडियन फिल्म एसोसिएशन मतलब उनको सपोर्ट करेगा. अभी बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं कि जो अनकम्प्लीट होते हैं. सर मराठी में आपने देखा होगा कि बहुत से मूवीज होते हैं कि जो बना तो देते हैं बट उनको रिलीजिंग को प्रॉब्लम्स होती है, तो वॉबरो और इंडियन फिल्म एसोसिएशन उनको हेल्प करेगी उनको रिलीजिंग करने में. अगर इनकेस कुछ मूवीज ऐसे है कि जिन्होंने मतलब हाफ शूट कर दिया है, अभी उनका पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है, उसमें भी हम लोग उनको हेल्प करेंगे ईच एंड एवरी वे. से से जुड़े हुए हैं तो हमारा मेन मकसद यह है कि कर्नाटका जो साउथ का राज्य, साउथ इंडिया में जो हमारा कर्नाटका है वहाँ पे ऐसे फिल्मों को जो अभी सर ने बनाया कभी जो इनकम्प्लीट हुए वो कम्प्लीट उनको कराएं, सेंसर जिसे नहीं मिला है सेंसर लेकर आए, उनको एक प्लेटफॉर्म में लेके आए जहाँ पे सभी चीज़ें उसमें मिले. हमारा इतना अच्छा रामरेड्डी जी ने दिलीप जी से मिलकर वेबसाइट बनाया हुआ है, आप वेबसाइट में देखेंगे तो आप हर चीज़ उसमें वहाँ पे बहुत स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. फिल्मी कार्ड यानी जो आर्टिस्ट कार्ड बनता है, बहुत चीज़ की प्रॉब्लम आर्टिस्ट कार्ड का रहता है, जो स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स मिलती है लेकिन उनके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं रहता है. तो हम लोग आर्टिस्ट कार्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले सकें. तो इस तरह से अभी जो मुंबई में कपिल जी के लीडरशिप में होने जा रहा है, कपिल जी भी बहुत अच्छे इसके बारे में जानने वाले हैं. हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी जैसा आपने बोला कि साउथ की मूवीज डे पर हिट हो रहे हैं, जब वही सर से बता रहा था जितने भी मूवीज हो रहे हैं वो 50% प्लस फिल्म तो प्रॉफिट में ही है और 20% नुकसान नहीं बोल सकते, मैनेजेबल इस तरह से है. तो ये एक अच्छा टाइम है जो आफ्टर लॉकडाउन हमारे लोगों का ये साउथ मूवीज का डेवलपमेंट, इसी तरह पप्पू जी से बोले बॉलीवुड की भी मिलके जब हम लोग सब मिलकर टीम वर्क करेंगे तो सभी का भी अच्छा है. सर आप कुछ बताना चाहेंगे? यस नमस्कार, मैं डिजिटली प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के दे सकता हूँ, करवाऊँगा. मैं एक्चुअली हेड ऑफ ऑपरेशन हूँ दाबैंक रिसर्च एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यूके बेस्ड कंपनी. सर डेटा बेस्ड कंपनी, हर कंपनी को किसी भी इंडस्ट्रीज को एक डेटा की जरूरत होती है बहुत बड़ी. कोई भी चीज़ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जितने ज़्यादा लोग उनके पास पहुँचेंगे डेटा पे जाएगी तब लोगों को वाव मिलेगा वाव ब्रो के बारे में. और ये फिल्म मेकर्स एसोसिएशन जो अलग अलग राज्यों से आए हैं ये क्या सपोर्ट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को, तो उसके लिए मेरे पास प्लेटफॉर्म है. और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड वॉबरो का. सो मैं इन लोगों को विश करना चाहूँगा आगे की जर्नी के लिए. थैंक यू सर. और थैंक्स आप लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ पे आए और वॉबरो और इंडियन फिल्म मेकर इंडस्ट्री और ये जो सारे साथी यहाँ पे अलग अलग राज्यों से जमा हुए हैं इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया
एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वर्ल्ड में, कहीं पे भी जाना है आपकी बात को रखना है तो मीडिया से अच्छा माध्यम कोई नहीं है। सो आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ आकर ये सारी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों तक प्रॉपरली पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वो प्रोड्यूसर्स को वो यो उबर वाला उसमें से भी चैनल कनेक्टेड है, सो कैसे होगा, एक प्रोड्यूसर रजिस्टर होगा, उसको वो यो कूपन मिलेगा, किधर भी स्टे कर सकते प्रोड्यूसर उसका क्रू एंड कैस्ट एंड ऑल। सो उसके बाद में वो आउट स्टेशन में गया ना कोई प्रोड्यूसर, उसको ऊबर का कूपन भी मिलेगा, ऊबर का आउट स्टेशन का 65% डिस्काउंट से, अभी नेक्स्ट प्रेस मीट है अभी बहुत बड़ा है ऊबर का साथ। सो ऐसा पूरा डिजिटलाइज कर रहे पूरा ये इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन विथ कॉरपोरेट एंड ऑल। सो इंश्योरेंस वो सब हो जाए नेक्स्ट मीट में सब बता। सो ये कोलैबोरेशन का पर्पस यही है कि थोड़ा अनऑर्गेनाइज है ये अभी थोड़ा, तो हम सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज इसे बना रहे हैं विद द कोलैबोरेशन। हर पूरा सिस्टमेटिक वे चलेगा फिल्म मेकर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए। सो प्लेटफॉर्म रहेगा, कोई भी सेलिब्रिटी कहीं से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है, बिल्कुल ऑनबोर्ड होगा, अपनी डिटेल्स डालेगा एंड जैसे रिक्वायरमेंट आएगी एज पर जो हमारी टीम होगी इंटरनली ड्यूजिलेंस करके उनका फिर देन उनको कनेक्ट करवाएगी। और बेसिकली सबसे मेन चीज़ क्या है कि इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन जो होगा वहाँ पे जो भी बंदा रजिस्टर्ड करेगा, भले ही वो आर्टिस्ट होगा, टेक्नीशियन होगा या प्रोड्यूसर्स होगा, तो वो लोग हम लोग क्या करेंगे, जब वॉब्रो से टाई अप है तो वॉब्रो जो रहेगा, अभी फॉर एग्जांपल एक नया आर्टिस्ट है उसको मतलब कुछ करना है, हमारे पास उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन में, वॉब्रो उसको 3 ऑडिशंस में प्लेटफॉर्म दे, मतलब उनको ऑडिशन में भेजेगा।